Assalamu alaikum. I welcome you all to Javed Publishers. Here we are studying Reading General Knowledge, Grade 1, Chapter Number 4, and the topic is My Family and Friends. Chapter Number 4, My Family and Friends. फैमिली क्या है, किन लोगों से मिलकर फैमिली बनती है और उन लोगों का आपकी लाइफ में क्या रोल है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे करीब रिश्ता है हमारा, अल्लाह ताला ने जो सबसे ज़्यादा कीमती रिश्ता बनाया है इंसान के लिए, वो है हमारे वालदैन का, हमारे माँ बाप का, हमारे पेरेंट्स का, जिसमें आपकी मामा आती हैं, जिसमें आपके बाबा आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाते हैं हमारे सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर्स, हमारी सिस्टर्स, और फिर जो आपके पेरेंट्स हैं उनके भी तो पेरेंट्स हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स जो हैं उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फिर उसके बाद कुछ और रिलेशंस हैं इनसे हटके, जिस तरह हम कहें पेटर्नल आंट, पेटर्नल अंकल, मेटर्नल आंट, मेटर्नल अंकल। अब इन सब लोगों का हमारी लाइफ में क्या रोल है, वो ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें फ्रेंड्स आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स के साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ ऐसा टाइम हमने गुजारा होता है कि वो हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर फ्रेंड्स में क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपका फ्रेंड जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो खेलने में बहुत अच्छा है, वो हम्बल है, वो लविंग है, वो केयरिंग है, तो डेफिनेटली आप उस फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट होगे ना। तो फिर ये फ्रेंड्स की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि हमारे पेरेंट्स ने पहले क्या लाइफ गुजारी थी और अब हमारी लाइफ हम कैसे गुजार रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो थे पहले, डेफिनेटली पहले लोग ज़्यादातर विलेजेस में रहते थे। अब वहाँ पे सिनेरियो क्या था, ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग थे, वहाँ पे फील्ड्स में वो जाते थे, काम करते थे, हर चीज़ जो है उनके पास फ्रेश और प्योर होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सिटीज़ की तरफ आना स्टार्ट हो गए। फिर अब अगर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे लाइफ गुजारने के तरीके और हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि पहले हमारे पेरेंट्स ने कैसी लाइफ गुजारी थी, अब हमारी लाइफ कैसी है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या रोल्स हैं। दिस ऑल वी कुड डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 4, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। Chapter number 4, My Family and Friends, page number 18. Let's start the reading of this chapter. My name is Hina. This is my family. I have a younger brother, Bilal. There are 6 members in my family. We all live together with great love and care. Hina अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रही है कि एक उसका छोटा भाई है बिलाल, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, छोटा सा क्यूट सा है, और 6 members हैं उसकी फैमिली में और सब इकट्ठे रहते हैं प्यार के साथ। My father is a teacher, उसके father जो हैं teacher हैं। My mother is a housewife, she cooks tasty food for us। क्या है कि मामा उसकी जो हैं वो tasty tasty foods बनाती हैं। My parents are very polite, loving and caring, they take care of our needs। आपके parents आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं ना, आपको जो चाहिए होता है आप अपने parents को बताते हो, वो फिर आप उस चीज़ को वो पूरा करते हैं। I daily go for a walk with my grandfather, आपके दादा दादी वो भी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं, आपके साथ वॉक पे जाते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, आपके साथ कार्टून्स देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट नाइट, माई मेटर्नल अंकल आंट एंड माई कजन्स लिव इन अ नियर बाय विलेज। वेन एवर दिस विजिट टू आर हाउस दे ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर अस, जब भी क्या है कि वो आते हैं तो फिर वो आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। अब गिफ्ट्स देने से क्या होता है, इससे और कुछ नहीं, आपकी जो है वो लव बढ़ता है, आपका प्यार बढ़ता है, ये खलूस होता है उनका कि वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। वी ऑल्सो गो टू देयर विलेज टू स्पेंड आर हॉलीडेज, अब आप भी जाते हो उनके विलेज में, क्या करने जाते हो आप, अपने हॉलीडेज स्पेंड करने जाते हो। वी प्ले विद आर कजन्स फातिमा एंड फिजा, ऑल फैमिली मेम्बर्स रिस्पेक्ट ईच अदर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर्स, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट इन टू द स्टूडेंट्स, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फैमिली में, रिलेशंस में, वो है रिस्पेक्ट। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द ओल्डर वन एंड टू द यंगर वन एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनसे प्यार करना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। फिर आगे बात करते हैं माई फ्रेंड्स।
मारिया एंड सारा आर माई स्कूल फ्रेंड्स, आई लाइक दैम बिकॉज ऑफ देयर गुड हैबिट्स. आप उनको क्यों पसंद करते हो? क्योंकि उनकी अच्छी आदत हैं. और अच्छी आदत कौन सी हैं? दे से दे प्रेयर्स रेगुलरली, दे रिसाइट द होली कुरान डेली, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. वो हमेशा सच बोलते हैं. तो आपको भी सच बोलना है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको कुरान पाक भी पढ़ना है. दे नेवर फाइट, और वो लड़ाई नहीं करते. वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, वी शेयर थिंग्स, वी स्टडी टुगेदर, आई लव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये सारी क्या हैं? गुड हैबिट्स हैं. आपको इन गुड हैबिट्स को बच्चों को इनक्रेज करना है कि वो इन हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल अपना बनाएं, ताकि क्या हो कि ये चीज़ें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू हो. मतलब बच्चों में ये चीज़ डेवलप करें कि हम मुसलमान हैं, हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें सच बोलना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना. उससे क्या होगा कि बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप होना शुरू हो जाएंगी. माई फादर्स चाइल्डहुड. अब हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का चाइल्डहुड कैसा था. बाबा जो थे वो भी पहले बच्चे थे, फिर बाद में वो बाबा बने. वन डे आई आस्क्ड माई फादर अबाउट हिज चाइल्डहुड. माई फादर सेड, वी लिव्ड इन अ विलेज, वी हैड अ सिंपल लाइफ देयर, द पीपल वर केयरिंग एंड हेल्पफुल. दैट टाइम देयर वॉज नो मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर, न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो वर द ओनली सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. पहले लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे ज़्यादातर. अब वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था. लोग जो थे वो हमदर्द थे, हेल्पफुल थे, एक दूसरे के काम आते थे. जब भी कोई जो शख्स है वो मुसीबत में होता था, तो नेबर्स में जितने भी लोग रहते थे वो डेफिनेटली उसको हेल्प आउट करते थे, ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके. फिर उसके बाद अगर बात करें तो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स नहीं थे. तो फिर अगर ये नहीं थे तो फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? तब रेडियो और न्यूज़पेपर्स को लोग, रेडियोज़ को बहुत ज़्यादा सुनते थे, न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ते थे, ताकि उनको पता चले कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ क्या है. देयर वॉज अ फ्यू मशीन्स एंड वी वर यूज्ड टू डू मोस्ट ऑफ आवर वर्क बाय आवरसेल्व्स. तब मशीन्स जो थी वो कम थी, और लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद करते थे. मशीनरी जो थी वो इतनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी. और तब क्या था कि लोग फिज़िकली फिट रहते थे, एक्टिव रहते थे. It was helpful to make us healthy and active. It was not only a very simple life but a happy and peaceful life too. अब उन्होंने बताया कि वो उस वक़्त जो थी लाइफ ईजी थी, इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन क्या था कि पुरअमन और बड़ी खुशगवार सी ज़िंदगी थी. बेशक लाइफ ईजी थी, सिंपल थी, लेकिन वहाँ पर खलूस, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. तो अब आप बच्चों में ये एक चीज़ें जो है, ये पॉइंट्स रिपीट करें कि आपको फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, ताकि बच्चों में अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो सकें. और अगर वो कोई एक भी पॉइंट आपका पिक कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी में बड़ी अच्छी डिवेलपमेंट आ जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, माई फैमिली एंड फ्रेंड. कीप वॉचिंग द वीडियो. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ.